starting with the revisions of statistics. And we are to find the range. Numbers aapko given hai 36, 34, 48. Come in. 56, 72, and 82. Find its range. Range kaise nikalte? Highest value minus lowest value. Highest value minus lowest value. What is the highest value in this? 82 minus 34. So what will be the answer? ठीक है. Now the next one. ये भी range का है, तो range हो गया हमारे. अब है हमारे पास in a group frequency data, class intervals are 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and so on. Find the class width. Class width आपको find out करना. क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स यू द क्लास विड्थ. सो दिस इज 20 माइनस 0. सभी का अगर आप देखोगे तो विड्थ जो है वो हमें 20 गिवन है. इन द नेक्स्ट वन राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 to 25 इन द फॉलोइंग डेटा. अब आपको डेटा गिवन है. So 20 to 25 का आपने फ्रीक्वेंसी लिखना है. डेटा इज 18, 19, 12, 13, 21, 27, 29, 22, 23, 26, 21, 17, 23, and 24. Write the frequency of the class 20 to 25. हाँ जी, क्या करेंगे? फाइव फाइव का बना रहे हैं. मिनिमम वैल्यू देखो क्या है. या 20 to 25 में 20, 21, 22, 23 and 24 ये फाइव वैल्यूज काउंट कर लो. कौन कौन सी हैं? ये है, दिस वन इज देयर, दिस वन इज देयर. कितनी हो गई? तो सिक्स जो है दैट विल बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें गिवन है फॉलोइंग डेटा गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ टेस्ट of a class in a test. Marks हमें given है 40, 13, 38, 16, 27, 30, 7, 3, 24, 19, 39, 26, 7, 33, and 19. Then 21, 13. अब इसमें हमें गिवन है ऑब्टेन दिस रिप्रेजेंट द अबव डेटा एज अ ग्रुप्ड डेटा इन इंक्लूसिव फॉर्म. अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे इंक्लूसिव फॉर्म है. व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी उसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है और फॉर्म इंक्लूसिव है तो क्या लेके चलते हो? फर्स्ट इंटरवल लेट अस सपोज अगर 10 to 15 बन रहा है तो अगला जो है वो 15 to 20 बनेगा. ठीक है, दिस विल बी द इंक्लूसिव फॉर्म. तो क्या बनेगा बताइए? एक मिनट. इंक्लूसिव इंक्लूसिव में अपर लिमिट इज आल्सो इंक्लूडेड. तो अगर मतलब मैंने लिया है 0 to 10 तो नेक्स्ट विल बी 11 to 20.
तो 10 भी इंक्लूडेड है इसमें. तो इंक्लूसिव फॉर्म मींस अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड. तो आप बताओ क्या क्या बनेगा. पहला 0 to 10 कितने हैं, 0 to 10 वाले. जीरो टू टेन वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6 है ये. 11 to 20 10 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. 10 है ना, मैंने वो काउंट नहीं किया था. 7, 10 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अब 11 टू 20, 11 भी इंक्लूडेड है, 20 भी इंक्लूडेड है. 9 or 10 11 टू 20, 1, 2 ये 27 है. 3, 4, 5, 6 चलो 21 to 30 1, 2, 3, 4, 6 31 to 40 भी इंक्लूड होगा. 1, 2, 30 नहीं हो चुके हैं ये. 40 तक हैं ये, नहीं आएंगे. हाँ जी कहाँ है 32, नहीं कितने आई है 4. नेक्स्ट 41 to 50 3 टोटल 30. सो इंक्लूसिव फॉर्म है तो ये इंक्लूडेड आएगा. अब इसी को अगर मुझे एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखना है, दिस इज द इंक्लूसिव फॉर्म. पॉइंट फाइव मतलब इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रही, मुझे अलग से बनाना. पॉइंट वाला कोई नंबर है ही नहीं. हाँ 0 to 10, 10 to 20 अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गई आपकी. एक्सक्लूसिव मींस जो आपका अपर लिमिट है दैट वन इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, अब ये जो 10 वाली वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में नहीं आएगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल. अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दी तो एक्सक्लूसिव फॉर्म, अपर लिमिट इंक्लूड कर दी तो इंक्लूसिव फॉर्म. व्हेनेवर आपको डाटा गिवन है डिसकंटीन्यूअस, डाटा आपका कंटीन्यूअस नहीं है, जब भी यहाँ पे 10 था यहाँ 11 है, डिसकंटीन्यूअस हो गया ये, तो जब भी डाटा डिसकंटीन्यूअस मींस आपकी फॉर्म जो है वो इंक्लूसिव है. हरसिमरन म्यूट योरसेल्फ. फॉर्म जो है वो आपकी इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट इज इंक्लूडेड. इन से इन याद रखो, फॉर्म इंक्लूसिव अपर लिमिट इंक्लूडेड. ठीक है, अब यहाँ पे आइए. अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 वाला ये छोड़ देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट में काउंट होना है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6, 10 टू 20 में क्यों 20 था बीच में, फिर अब वो वाला 10 इधर नहीं आएगा, 11 हो जाएंगे. 20 to 30 है, 30 को छोड़ दोगे. 7 एक बढ़ेगा कि कम होएगा, 5. नेक्स्ट 30 to 40 एक बढ़ जाएगा इसमें, 50. 41 to 50 40 है बीच में कहीं पे, 40 हाँ 40 है ना. तो फिर ये आपके 31 to 40 में, 30 to 40 में हमने 40 हटाना है और 30 ऐड करना है. एक डाल रहे हैं एक निकाल रहे हैं, तो नंबर विल नॉट चेंज. 41 to 50 में 41 इंक्लूड हो रहा है,
4250 में 40 इंक्लूड हो रहे तो ये कितने हो जाएंगे 4। ऐसे कंफ्यूजन लगे तो फिर दोबारा आप अदरवाइज काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी वहीं से करवा दिया कि यहाँ पे आपका 10 था तो 10 वाला इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा यहाँ पे, तो माइनस कर दिया, इसमें से 6 आ गया, अदरवाइज आप काउंट करके यू कैन डू इट अगेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट्स ऑफ 20 मैंगोज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बास्केट आर एज फॉलोज। अब 20 मैंगोज का जो वेट है वो हमें गिवन है इन ग्राम्स। ये हमें 20 मैंगोज के वेट्स गिवन है। वी आर टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल क्लासेस ऑफ विड्थ 5 फॉर द गिवन डाटा अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 10 to 15, और उसने कहा ब्रैकेट में दिया हुआ है इट इज नॉट इंक्लूडेड। 10 to 15 नॉट इंक्लूडेड मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या बनेगा 15 to 20। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है तो कहां तक जाएगा, 49 आ रही है, 39, 25 to 30, 32 to 35 and 35 to 40। चलो क्या आएगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 10 to 15 में काउंट करो। इंक्लूसिव फॉर्म है तो ये 15 नहीं लेना आपने, ठीक है, ये हो गया 1 2। नहीं ये नहीं आएगा 10 to 15 में, इट्स नॉट देयर, ओके इट्स 1, देन 15 to 20, 15 आएगा, 18 आएगा, 2, 20 to 25, 1 2, 25 to 30, 1 2 5, हाँ जी 5 आगे, 30 to 35, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे नहीं लेना 30 to 35 में, ठीक है। अब 35 to 40, 1 2 2, अब टोटल चेक कर लो एक बार, 20 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी एबल टू डू। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म भी आप कर लोगे। आपको 4 एग्जाम्पल्स गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि वेदर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। फर्स्ट हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, सेकेंड नंबर ऑफ फैंस इन आर क्लास, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आर हाउस सिंस लास्ट 2 years, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाटा को फॉर्म कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो तीनों ऑप्शंस ऊपर वाली आपकी सही हैं और नीचे क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डाटा को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। प्राइमरी डाटा क्या होता है, यस विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और सेकेंडरी डाटा
विच इज टेकन फ्रॉम अदर रिलायबल सोर्स, जो आप किसी से लेते हो वो आपका डेटा कौन सा होगा, सेकेंडरी डेटा. बट मतलब ये कंफर्म करना पड़ता है दैट द सोर्स शुड बी रिलायबल. जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो हम टीवी या न्यूज़पेपर से लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया. देन लिटरेसी रेट फिगर्स वगैरह हो गए, वो भी हम एजुकेशनल सर्वे से लेते हैं तो दैट इज द सेकेंडरी डाटा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, नंबर ऑफ फैंस इन आर क्लास, ये हमारा हम इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज अ प्राइमरी डाटा. In a frequency distribution, the mid value of a class is 10. Frequency distribution में हमें mid value जो है एक class की वो 10 given है. Width of the class is 6. Class width हमें 6 given है. We are to find the lower limit of the class. Lower limit of the class हमने निकालनी है. कैसे निकालेंगे? क्लास विड्थ गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है, क्या लोअर लिमिट? लोअर लिमिट मिड वैल्यू से बड़ी कैसे हो सकती है? लोअर लिमिट मींस लेफ्ट वाली साइड जो लिखते हैं. मान लो मैंने डेटा लिया 10 टू लेट अस सपोज 16, इसकी मिड वैल्यू क्या बनेगी? सम ऑफ दीज बाय 2, 13 आ जाएगी. ठीक है, तो लोअर लिमिट कैन नॉट बी मोर देन मिड वैल्यू और अपर लिमिट कैन नॉट बी लेस देन द मिड वैल्यू. अब 10 मिड वैल्यू है, विड्थ कितनी है 6, क्या करेंगे? विड्थ 6 है, इट मींस मिड वैल्यू के हाफ इधर है, हाफ इधर है. 6 का, 6 का हाफ क्या हुआ? 3. तो 10 से इधर और इधर. Yes, 10 में से 3 माइनस करो 7 और 3 ऐड करो 7 टू 13. तो मिड वैल्यू गिवन है, क्लास विड्थ गिवन है, क्लास विड्थ का हाफ कर दो. ठीक है, उसके बाद जितना वो आएगा मिड वैल्यू में से माइनस करो और प्लस करो. अब एक बार इसको रीचेक कर लो, 13 प्लस 7 20 बाय 2 इज 10. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट हमें गिवन है मीडियन मोड. अगेन दैट वन इज द डिलीटेड वन. ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं आपके. अब ग्राफ हमें गिवन है, दिस इज अ बार ग्राफ गिवन टू अस बिटवीन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज एंड यू आर टू आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. वन केस स्टडी विल बी देयर. टोटल 40 क्वेश्चंस विल बी देयर. 30 टेंथ में 2 केस स्टडीज आते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन जो भी है आपका आंसर दोगे तो 8 क्वेश्चंस वो हो गए. बाकी 32 क्वेश्चन, तीन सेक्शंस होंगे. फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 16 क्वेश्चन एंड थर्ड सेक्शन में यू विल बी हैविंग 8 क्वेश्चंस. नो चॉइस विल बी देयर फॉर द सेप्टेम्बर एग्जाम एंड दिस इज यू नो योर टर्म 1. ठीक है, सो 5. हाँ जी, 40 ही आएंगे बच्चे, 40 के 40 करने होंगे. ईज के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है नंबर्स कि कहाँ तक वो जा रहे हैं.
In a survey of 85 families of a colony, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the following graph. Read the bar graph carefully and answer the questions. Ab idhar jo hai, this is representing the number of families. And this one is number of members. तो यहाँ से क्लियर कट आपको पता लग रहा है कि हमारे पास 5 फैमिलीज ऐसी हैं विच आर हैविंग 2 मेंबर्स इन द फैमिली, 40 फैमिलीज आर हैविंग 3 मेंबर्स, 25 फैमिलीज आर हैविंग 4 मेंबर्स एंड 15 फैमिलीज आर हैविंग 5 मेंबर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन डज बार ग्राफ गिव. यस, दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. How many families have 3 members? 40. How many people live alone? 5. Ji. Haan, toh according to graph, it will be nil. Theek hai? Which type of family is most common? Family having 3 members. नेक्स्ट हमें गिवन है, प्रिपेयर अ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन डाटा. अब हमें जो है डाटा गिवन है उसके बेसिस पे हमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, करना है. मिड पॉइंट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन. मिड पॉइंट वी आर गिवन 5, 15, 25, 35, 45 और वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 4, 8, 13, 12 and 6. So also find the size of the class intervals. Prepare a continuous grouped frequency distribution from the given data. Mid value is given है, 5 किसकी mid value आएगी? हाँ, उसमें कुछ भी given हो सकता है. मान लो यहाँ ये miss कर दिया इन्होंने, तो वो पूछ लेंगे कि what will be the class interval of the missing frequency, missing midpoint. Missing midpoint पहले आप देखोगे कि 10-10 के gap पे आ रहा है, 25 is missing. फिर इसका आप class interval बताओगे. किसी भी form में आ सकता है. You have to be fully prepared. चलिए क्या आएगा? Prepare a continuous grouped frequency distribution. Also find the class, size of the class interval. मिड वैल्यू 5 आ रही है. मिड वैल्यू का हाफ क्यों? किन दो नंबर्स का सम बाय 2 शुड बी 5? क्या बनाएं पहला? बोलो, कोई भी बोल दो. 0 to 5 में मिड पॉइंट 5 कैसे आएगा? 0 to 5 का मिड पॉइंट विल बी 2.5, तो इट विल बी 0 to 10. 15 का कॉन्टिन्यूस बनाना है, 10 to 20. नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर? आपका क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्लास मार्क या मिड पॉइंट का? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 इक्वल टू क्लास मार्क या मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट मुझे गिवन था 5 गिवन था, तो 5 2 10 हो गया, यानी कि सम ऑफ दैट शुड बी 10. ठीक है, तो 0 to 10, नेगेटिव हम ले नहीं सकते. Then average वाले again, these are also deleted. अब मुझे given है data, the weights in grams given है of 50 mangoes. One forty one, one twenty three, 92, 85, 214, 91, 94, 128, 114, 120,
then 90, 117, 121, 151, 146, 133, 188, 100, 125, 122, 110, 119, 138, 125, 127, 125, 129, 103, 197, 149, 140, 78. Then 205, 103, 135, 121, 102, 96, 80, and 136. Form the grouped frequency table by dividing the variable range into intervals of equal width of 20 gram each. Class intervals banane grouped. Width of class should be 20. Aur aage usne kya kaha? Such that the mid value of the first interval is 80. These are the weights of the mangoes in grams. Ye given hai, weight given hai, theek hai? क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फॉर्म द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बाय डिवाइडिंग द वेरिएबल रेंज इनटू इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 20 ग्राम, क्लास विड्थ शुड बी 20 एंड द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल इज 80. पहले इंटरवल की मिड वैल्यू 80 होनी चाहिए, क्लास विड्थ 20 होनी चाहिए, तो फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा. मिड वैल्यू 80, क्लास विड्थ अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, तो क्या बनेगा पहला इंटरवल 20 का, क्या करेंगे, हाँ 20 का हाफ 10, तो 10 इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 उधर ऐड करोगे, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट इंटरवल 72, 90. अब हाईएस्ट वैल्यू भी देख लो क्या है अकॉर्डिंगली, तो वहां तक जाएंगे. चलो 110 टू 30, 30, 150, 150 to 170, 70, 210 से हैं, फिर 210 तक लेंगे, ठीक है. सो दीज आर द रिक्वायर्ड इंटरवल्स. उसके बाद फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 10 टू 57 इन अ विलेज. टेबल अब हमें गिवन है, ये कर दूं इरेज. एज ग्रुप गिवन है और नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन है. एज ग्रुप है फर्स्ट 10 टू 17, 18 टू 25, 26 टू 33, 34 टू 41, 42 टू 49, 50 टू 57. और नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन है हमें इधर फर्स्ट वाले में, दिस इज 300, देन 980, 740, 580, 260, 140, and total is 3000. So draw a histogram to represent the given data. ये मैं वैसे करवा रही हूँ, otherwise histogram आपका बना होगा. अगर in case वो भी आता है तो चार options में से you have to choose the correct one. अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, continuous बनाओगे. continuous बनाने के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द वेन एवर द इंटरवल्स आर मेड कॉन्टिन्यूस, तो विच वैल्यू इज टू बी एडेड टू द अपर लिमिट एंड विच वैल्यू इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट. तो आपको पता है कि ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव क्लासेस का अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस देख लेते हैं. वन है
तो उसका हाफ कर देते हो, तो 0.5 विल बी एडेड टू द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अपर लिमिट में आप 0.5 क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सो इंटरवल क्या बन जाएगा, 9.5 to 25.5। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। तो अब इसमें वो ये भी कह सकते हैं कि विच वैल्यूज जो है, विच फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी हैविंग वैल्यू 580। तो आपने ये कॉन्टिन्यूस बना लिया, अब 580 के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या है आपका, 33.5 to 41.5। तो किसी भी फॉर्म में मतलब आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज कि डाटा अगर आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं गिवन तो आप पहले उसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे, जो भी इनके बीच में डिफरेंस होगा। कॉन्टिन्यूस कंसेक्यूटिव क्लासेस देखनी है, विच पहले वाले की अपर लिमिट, दूसरे वाले की लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करोगे, वो माइनस करना है लोअर लिमिट में से और ऐड करना है अपर लिमिट में। लेट अस सपोज कि यहाँ पे अगर हमें गिवन है, तो हाउ टू मेक दिस कॉन्टिन्यूस, व्हाट वैल्यू शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस मींस 1 आ गया उसका हाफ, तो 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड 1 शुड बी एडेड। तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 4 to 8, 8 to 12। ठीक है, क्लियर है। क्लास साइज आपको पता है, रेंज आपको पता है, क्लास मार्क आपको पता है। अब सो यही क्वेश्चंस हैं आपके इस पे बेस्ड। एनी अदर टॉपिक इस पे बेस्ड, ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनी अदर डाउट? एक्सक्यूज मी मैम, वाइटनर अलाउड नहीं है, करोगे नहीं? हाँ जी अश्मित, एक मिनट बात करती हूँ। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम एग्जाम में मैम मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं? एक मिनट। हाँ जी एग्जाम में मैम मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं है।